हाय, मेरा नाम अवनीत कौर है और मेरे कैरेक्टर नेम के बारे में मैं आपको फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने इससे पहले कोई साउथ मूवी मैंने की नहीं है, बट ये मूवी दोनों हिंदी और साउथ दोनों में रिलीज़ हो रही है, सो इससे पहले मैंने कुछ साउथ में नहीं किया था और मैं कभी केरला नहीं गई थी, बट इस मूवी मुझे जाने मिला और उधर की नेचुरल ब्यूटी देखने मिली जिससे मैं बहुत 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 खुश हुई थी उस टाइम। एंड ये कैरेक्टर मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है बिकॉज मैंने इससे पहले ऐसा कोई रोल नहीं किया है टीवी पे, सो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने मूवी की है मर्दानी यशराज के साथ रानी मुखर्जी, और मैंने काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं जैसे एक मुट्ठी आसमान जी टीवी पे, रीसेंट मेरा चंद्रनंदिनी था स्टार प्लस पे अभी ऑफर हुआ, और अगर रीसेंट वर्क में तो वेब सीरीज़ मैंने अभी की है Z5 के लिए बब्बर का टब्बर, सो वो भी अब रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ। एक्चुअली मैं आई जस्ट गॉट डन विद माई 10th बोर्ड्स, सो या जस्ट गॉट डन एंड आई एम डूइंग माई स्टडीज एज वेल एज शूटिंग एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। बोल भाई हाँ यालो किया सेंटर लोग फोटो छपेगा लुक हियर ऑल ऑफ यू एक्सक्यूज मी लुक हियर एकदम सिंपल यार अब बूमर डालो ना तो मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है रोहिणी और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट द मूवी फॉर मी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे यू नो पुलिस इंस्पेक्टर का एक रोल ऑफर किया गया तो मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं ये करूँ। मेरे पापा आर्मी में है, सो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड Yeah, that's about my character. Have you taken a tip from your father? By doing this? Have you mentioned your father in the army? So, मैं मॉडलिंग से हूँ, मॉडलिंग एंड डिज़ाइनिंग दैट माई नीश इज़ मॉडलिंग, राइट? सो मॉडल्स का एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है एंड तो आर्मी से जो यू नो मेरे पापा का जो बॉडी लैंग्वेज है, द वे ही वॉक्स, जैसे वो बात करते हैं, थोड़े स्टर्न होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज मुझे खुद पर काम करना था तो टू बी द पुलिस ऑफिसर, तो मैंने वो काफ़ी सारी राय ली अपने पापा से, उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली अपने पापा से बात करके एंड उनको यू नो जिस तरीके से वो बात करते हैं, चलते हैं, वो थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की। या मेरा कैरेक्टर नेम राहुल है और वो एक लंदन बेस्ड लड़का है और वो LAP एक जगह है केरला में और इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ जाकर एक रिजॉर्ट वो खरीदता है और वहीं पे जाके पूरी मूवी की स्टोरी वहीं पे बिल्डअप होती है और सारा कुछ वहीं रहता है, तो ये हमारी लेडी दबंग है। लेडी दबंग प्रैंक प्रैंक हुआ नहीं बट हंसी मजाक बहुत था। जैसे सो रॉबिन एंड नवनीत दोनों पंजाबी हैं, वो अपने पंजाबी में बड़ी बातें करते थे तो मैं कभी कभी ऐसे खड़े होकर सुन रही होती थी, बहुत सारे जोक्स क्रैक करते थे ये दोनों पंजाबी में। बेसिकली क्या था, हमने शूट किया था कोची में, इस केरला ना,
तो केरला में अब क्या है, वहाँ के जो लोकल जो प्रोडक्शन था वो अपनी लैंग्वेज में बात करें, मलयालम में, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और उनकी कैमरा में वो सारे तेलुगु से, और बाकी मैं और हीरोइन वो पंजाबी अकेले मैं बिहारी हूँ वैसे, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ कहाँ और हाँ, और मैंने अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट किया था, सो मेरा और सुमन सर का, हमारे डायरेक्टर, तीनों का बर्थडे हमारे सेट पे था, तो मेरे लिए ये काफी स्पेशल बात थी कि मैंने सेट पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 31 फर्स्ट 31 चलो जो भी है 21st birthday. हमारी फिल्म देखो नेक्स्ट 2 मंथ के बीच बीच में हो जाएगी, और बेसिकली आपको बहुत अच्छी लगने वाली फिल्म, मतलब ये आपकी रेगुलर फिल्म नहीं होगी जो आप देखते हो, और साउथ से हैं बेसिकली लोग, तो बहुत अच्छा काम होता है उनके साथ, मैं वैसे भी करता रहता हूँ, बट बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स अ थ्रिलर, सस्पेंस है, एक मिस्ट्री है जो मैंने सॉल्व की है, जो जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, सो यू नो देखिए मूवी को एंड जानिए व्हाट इज़ दैट मिस्ट्री। काफ़ी ग्रिपिंग मूवी है, एंड हमारे काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं इसमें जिन्होंने बहुत अमेजिंग एक्टिंग की है, एंड मैं बस उन्हें ऐसे बैठ के लाइक आई यूज़ टू ऑब्जर्व एंड आई वॉज लर्निंग अ लॉट ऑन जॉब, सो या यू मस्ट गो वॉच द मूवी एंड सी व्हाट एकता इज़ ऑल अबाउट। इसको देखकर कई सारी लड़कियों को इंस्पायर होंगी कि ऐसी भी इतनी भी सुंदर लड़की इंस्पेक्टर होती है और ऐसा। यस, इनफैक्ट बहुत फोकस डाला था सुमन सर ने, तो उनका आइडिया वाज यू नो टू इंस्पायर द यूथ कि यंग लोग भी कैसे अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे रह सकते हैं, जैसे एक यंग लड़की पुलिस ऑफिसर है, एंड जब मेरी जो स्टाइलिंग थी, मेकअप था, वी केप्ट इट वेरी सिंपल, कई जगह मेरा मेकअप बहुत मिनिमल होता था, कहीं पर मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया था, तो यू नो बहुत लाइक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। आई मीन इफ यू थिंक पॉइंट ऑफ व्यू की यू नो एक यंग लड़की पुलिस ऑफिसर एंड गुंडागर्दी बंद करवा रही है, लड़कों से लड़ रही है, जो दबंग मतलब सलमान खान की बहन, सलमान खान की बहन, वेल हीरोइन के लिए थोड़ा ज्यादा दे या अभी अभी टाइम है, अभी टाइम, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज़ मतलब बहुत नेगेटिव बाप है, और मैं चाहूंगा कि किसी का ऐसा बाप ना हो जो मैंने किया है, तो वाइल डूइंग इट आल्सो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड एट टाइम्स बिकॉज बहुत ही सोच उसकी बहुत गंदी है, तो उस कैरेक्टर को करने में, उस रोल को करने में कुछ चीज़ें ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं, सो इट्स गुड फन बिकॉज सुमन वॉज वेरी वेरी ही वॉज वेरी डेफिनेट, ही न्यू के मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो इट हेल्प्स जब आपका डायरेक्टर अपने बात में क्लियर है, so I really enjoyed it. The first time this is a new director making a film in Hindi film, how was the experience working with Suman Reddy? Like I'm saying, Suman was very very clear, you know, from the day one that हम स्टोरी नरेशन पे बैठे हैं टिल द शूटिंग टिल द डबिंग के सर आई वॉन्ट लाइक दिस एंड सर आई वॉन्ट टू प्ले लाइक दिस, सो ये चीज़ें जब टेबल पे क्लियर हो जाती है, पहले क्लियर हो जाती है, सो व्हेन यू गो ऑन द फ्लोर देन इट्स जस्ट द लिटिल बिट थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, सो आप भी एज एन एक्टर यू कम विथ योर होमवर्क कि अच्छा इसने ये बोला था ये नहीं बोला था, एंड लाइक आई सेड ये कन्वेंशनल कैरेक्टर नहीं था मेरे लिए और ना ही कन्वेंशनल कैरेक्टर है, तो मैं अपना होमवर्क करके ही आया था सेट पे। What is the difference between TV and film? What is the difference according to you? And which is a better platform? See, the way I do TV, I do films, I also do theatre. तो दे ऑल थ्री आर डिफरेंट मीडियम्स, आपको आप तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब यू कांट से कि ब्रूस ली इज़ बेटर और मोहम्मद अली, दे बोथ आर मास्टर्स इन देयर क्राफ्ट इन देयर ओन ईरा, मेसी बेटर है कि मैराडोना बेटर है, वो दोनों कभी साथ में थे ही नहीं, यू नो, तो फिल्म का एक अलग मज़ा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नाम मिलता है, बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, एक अलग टाइप का फेम मिलता है, टेलीविज़न जो आप करते हो उसमें एक अलग टाइप का फेम मिलता है, थिएटर में एक अलग टाइप का हाई मिलता है कि आप बोलते हो और पब्लिक वहाँ ताली बजाती है, सो तीनों का अपना अलग अलग मज़ा है, उनके फ़ायदे भी हैं उनके नुकसान भी हैं, कि आप थिएटर में जाओगे तो वैनिटी नहीं आएगी भैया, कोई टपरी वाली चाय आएगी, आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते कि भाई यही वेज सैंडविच ही आएगा, यू नो वही है, बिकॉज वो थिएटर का वो सिस्टम वैसा है, तो आप जब थिएटर करोगे तो आपको कोई भी तो आपको मान के चलना पड़ता है कि भाई मैं इतना ही मैं मांग सकता हूँ, इससे ज़्यादा फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा, फिल्म में आप जो मांगो आपको मिल जाता है, सो इट्स लाइक दैट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
काम रहेगा ना काम। क्या आपकी तारीफ करे, आपकी जो स्टाफ है आपके काफी तारीफ करे, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया ये व्हाइल डूइंग अ शूट, क्या कुछ कुछ बताना चाहिए? हाउ वाज एक्सपीरियंस विद योर कोस्टार? दे आर वेरी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। या या दे आर काइंड, वेरी काइंड, बट आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। बट मैं जो स्क्रीन में देखना चाहता था तभी मैंने पहले ही आर्टिस्ट को सिलेक्शन वैसा किया कि सो जो भी ज़्यादा एक्ट करने का ज़रूरत नहीं, मुझे नेचुरलिटी होना चाहिए। सो तभी जो भी है कुछ लोग ज़्यादा करने से मैं नहीं सर, मुझे बस इतना ही चाहिए। सो दे आर वेरी गुड पीपल, सो दैट्स वाई दे माइट हैव सेड मैनी थिंग्स अबाउट मी। सो बट कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, कभी भी एनवायरनमेंट मूवी शूटिंग जैसा नहीं हुआ। सो जस्ट फ्रेंडली कैजुअली शूट चला था। सो तभी भी वो भी एक रीज़न हो सकता है उसको लगा कि दे सेलिब्रेटेड द बर्थडे इन सेट। या योर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड एंड दे लॉट ऑफ फन हैपेंड, दे नेवर फील लाइक इट इज अ होम, इट इज अ होम लाइक दे फील एनवायरनमेंट लाइक होम। हाउ सच अ प्लेजर एनवायरनमेंट यू मेड बेसिकली दैट्स व्हाट द थिंग। आउटडोर शूटिंग में सबको ऐसा ही चलेगा। सो आउटडोर शूटिंग था, पहले शूटिंग ख़त्म हुआ तो सब रूम पे वापस आके शाम में बातचीत करते रहते। सो तभी लकीली हमारा तीन लोगों का एक ही मंथ 3 डेज गैप में बर्थडेज हुआ था। सो वो सेलिब्रेट, वो रेगुलर इशू है टॉलीवुड में, रेगुलर भी चलता रहेगा। सो कैन यू टेल अस अबाउट योर फिल्म्स रिलेटेड, व्हेन इट विल रिलीजिंग एंड व्हेन बेसिकली मेड इट इन हिंदी मेजरली, सो विदाउट फॉर हिंदी ओनली। सो वी आर फ्रॉम साउथ, सो वी हैड ए नेटवर्क टू रिलीज द मूवी, सो वी आर ऑल्सो शॉट सम सीन्स इन तेलुगु, सो देर इज लेस टॉकी पार्ट, सो मोर एक्शन पार्ट, सो इट इज ईजी टू फॉर अस टू शूट इन बोथ लैंग्वेजेस। सो दोनों लैंग्वेज पे एक ही दिन रिलीज होगा अप्रैल में, मोस्टली 99% अप्रैल में होगा। डेट अभी 2-3 दिन में कंफर्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पहली बार एक साउथ डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ। हम लोग पहले से साउथ की फिल्में देखते आते हैं, इन्जॉय करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार इट्स बिन एन ऑनर फॉर मी कि मैं एक साउथ डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, उस यूनिट के साथ मैंने काम किया है। They are wonderful people. It was a lovely experience. इस फिल्म में मैं एक प्रोफेसर फिल्प करके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि फिल्म में काफ़ी देर से आता है लेकिन एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इस फिल्म का, और एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, जो कुछ फिल्म में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उस पॉइंट पे मेरी एंट्री होती है। और चूँकि मैं एक प्रोफेशनल प्ले कर रहा हूँ, एक प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे नुक्स वगैरह इनको दिखाता हूँ जिससे कि उनको वो सोल्यूशन मिलते हैं जो प्रॉब्लम है। तो अच्छा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, मतलब स्टर्न है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट या फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर नहीं है, तो मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करके। इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विथ सलील अंकोला जी, नासिर खान जी। आई हैव डन वन फिल्म विद नासिर जी एंड ही इज बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड इट वॉज लवली वर्किंग विथ हिम। इवन द लीड पेयर रॉबिन एंड नवनीत, इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। परिणीति वॉज ऑल्सो वंडरफुल टू वर्क विथ, अवनीत वॉज ऑल्सो ग्रेट टू वर्क विथ। सारे लोगों ने, हमने क्या होता है, आप जब एक आउटडोर लोकेशन पर शूट करते हैं कोई भी फिल्म, तो शूट के बाद भी आप कास्ट के साथ इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलता है, आप चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, साथ में खाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की बॉन्डिंग बन जाती है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी ऑल हैव, एंड आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री भी नजर आएगी स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मतलब एक मिनट।